बोला था न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मीरा तूने सुना तो देखा क्या नहीं पता सुबह सुबह कहाँ चला गया है उसने अभी कुछ खाया भी नहीं है उसे स्कूल भी जाने की तैयारी करनी है नहीं माँ मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा मैं तो सुबह से बचपनी दौड़ रही माँ मुझे भी स्कूल जाना है मुझे भी पढ़ना लिखना है माँ मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दो ना थोड़ी बड़ी है स्कूल जाने वाली घर का कुछ काम का सीख ले आगे बस बस चाले तो क्या हो रहा है कौन किसकी जवाबदारी संभाल रही है हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है देखिए ना डॉक्टर दीदी दादी मुझे जाने देती कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है आगे चलकर तुझे चूल्हा चौका ही तो संभालना है ये तो गलत बात है माँ जी क्या आपको नहीं लगता हम बिटिया भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े समाज बहुत आगे बढ़ गया आप किस समाज की बात कर रही है हम 21वीं सदी जी रहे हैं मैं तो यहाँ इसलिए कि मुन्ना पोलियो ड्रॉप पिया कि नहीं जगह जगह कैंप लगी हुई है अच्छा हुआ मम्मी और पापा आ गई मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दे देंगी मैं उसे स्कूल भी पहुंचा दूंगी अरे यार बहू जरा एक गिलास पानी तो लाना बाबू जी अखबार में अखबार में कितनी प्यारी अच्छी बेटी के बारे में कितना अच्छा कविता आया है आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ कहते हैं बेटी बाप फसा मुझे चाहिए प्यार दुलार बेटी की अंधेरी क्यों करते हैं निश्चित संसार सोच जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार गर्भ से युवान तक मुझ पर लौट रही है तलवार तेरी तर्क वेदना का अभोर है स्थिर उपचार जब माँ ही घर में ना होगी तो तू जन्म कैसे पाओगी जब पहना ही ना होगी तो घर आंगन में किसे रूठोगी किसे मनाओगी जब दादी नानी ना होगी पेपर है देखिए कौन सुनाएगा जब कोई सुंदर सपना ना होगा तो तू क्या किसे बचाओगी जब तेरे घर में बेटी ही ना होगी तो तू लाज किसे बचाएगा जिस दुनिया में स्त्री ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाएगा जब तेरे घर में बहू भी ना होगी तो तेरा वो आगे कैसे बढ़ पाएगा नारी के बिना जब सुना है यह बात कब समझ में आएगा हाँ तो भाग्यवान कैसे रही कविता है ना मजेदार नारी की मजेदार मुझे कविता बिल्कुल पसंद नहीं है बाहर चली गई थी इसलिए यहाँ नहीं आ पाई डॉक्टर बान बताई थी अपनी मीरा के मीरा बेटे का दाखिला नहीं कराया यह तो बहुत सुनहर छात्रा हमेशा अच्छी अंक से पास होती है हाँ मैं तो यही चाहती हूँ कि मीरा भी स्कूल जाए पर लेकिन यहाँ सुनता कौन हाँ हाँ कोई खड़ा कर सकता है बाहर से ये जब तुम सड़क सड़क हो जाएगा तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी माँ जी अब कहाँ के बाद कहाँ ले जा रहे हैं मीरा को तो 10वीं तक पूरी पढ़ाई कर लेने दीजिए आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगी हाँ मैं मीरा को स्कूल अवश्य भेजूंगी वह उसे खूब पढ़ाओ लिखाऊंगी वह उसे अपने जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी हाँ तो कल मीरा को तैयार करके रखना इसे मैं खुद ले रहा हूँ मिटिया दादाजी मैं सच कहा ना हाँ हाँ बेटा जी आप